चलो करते अपने स्टार्ट, है ना। कल जो है अपन ने पढ़ा था सारा, मैंने एक जो है लास्ट वाले क्लास में पूरा समराइज कर दिया था कि अपने को पूरा एस्टिमेशन कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या आइटम्स को अपने को लेना होगा। ठीक है, अब सबसे पहले आपको कोई भी साइट है, ठीक है, वहाँ पे फाउंडेशन का वर्क सबसे पहले होने वाला है ना, और फाउंडेशन से भी पहले अपने को जो है साइट क्लियरेंस करना पड़ेगा। तो उसके अंदर भी जो खर्चा आएगा, जो उसका क्या उसके अंदर अपना कॉस्टिंग आएगा, वो भी अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो साइट क्लियरेंस की जो कैलकुलेशन है वो कैसे करेंगे, आज वाली क्लास में पूरा साइट क्लियरेंस का अपने करेंगे, और उसको जो है मैं अपने एक्सेल शीट के अंदर भी इनपुट करके बताऊंगा आपको कि डाटा को कैसे, उस कैलकुलेशन को कैसे उसके अंदर इनपुट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले साइट पे अपने को जो है स्टार्टिंग में आपके अकॉर्डिंग साइट पे किस तरह की सिचुएशंस मिल सकती है, जब आपको साइट जो है ना एकदम फ्रेश जो मिल रही है वहाँ पे क्या क्या कंडीशन हो सकती है वो देखो। इस इमेज के अंदर मैंने लिख दिया है, वहाँ पे ट्रीज हो सकता है, पेडीज हो सकता है, ठीक है, ये अपने को रिमूव करना पड़ेगा। वहाँ पे कोई एग्जिस्टिंग वॉल हो सकती है, ठीक है, उसके अलावा जो है रिमूवल ऑफ वेजिटेशन, अनसुटेबल मटेरियल, रिमूवल ऑफ ट्रीज, रिमूवल ऑफ ग्रास एंड अनसुटेबल मटेरियल्स कुछ हो सकता है, कोई स्ट्रक्चर बना हुआ हो सकता है, ठीक है, रोड के साइड का एम्बैकमेंट हो सकता है, ठीक है। तो अपने वो सारे को पहले क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, अब आपका मान लो प्लॉट है, प्लॉट का जो साइज है, अब अपने अपने नोट्स पे चलते हैं। ठीक है, अपन ने जो प्लॉट साइज लिया है इसके अंदर मैंने लिया है 60x40 का प्लॉट साइज मैंने लिया है। ठीक है, तो अपने को जो साइट क्लियरेंस करना है, साइट जो क्लीनिंग करना है, वो 40x60 का ही करेंगे या उससे ज्यादा करेंगे? ज्यादा माइक ऑन करके बोलो। करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि अगर मान लो आपको ये तो वो जो एरिया है जो आपका बिल्टअप एरिया है जहाँ पे आपको जो है सारा जो है कंस्ट्रक्शन करना है 40x60 का। अब आपको मान लो सीमेंट को है, एग्रीगेट है, उनका मिक्स करना है, ठीक है, या आपकी ब्रिक्स आ रही है साइट पे और आपका जो स्टील एनफोर्समेंट आ रहा है साइट पे, ठीक है, तो वो स्टील वगैरह जो है या कुछ भी साइट से रिलेटेड कोई भी मटेरियल है वो आप कहाँ पे प्लेस करोगे? ठीक है, उसके लिए आपको आसपास का जो एरिया है उसको क्लीन करना पड़ेगा। अगर सपोज एक एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, जैसे आपका बजरी जो आ रही है, ठीक है, वो मान लो अगर आपकी बजरी जो आ रही है वो 50,000 की आ रही है, ठीक है, और आपने आसपास का साइट जो है वो क्लियर नहीं किया है, ठीक है, तो बजरी नीचे नीचे की जो बजरी है वो खराब हो जाएगी, है ना, नीचे जो भी है वहाँ पे पड़ा है, गंदगी है और कुछ है, तो उससे वो चीज़ है खराब हो जाएगी, और उसका आपका अगर 10% भी खराब हुआ तो 50,000 का 10% सोच लो, 5,000 रुपये का आपका लॉस हो जाएगा। तो साइट क्लीनिंग जो है वो आपको करना पड़ेगा। अब है कि साइट अगर मेरी है, अभी जो एग्जांपल लिया अपन ने 40x60 है, इससे छोटी साइट भी हो सकती है, इससे बड़ी साइट भी हो सकती है, तो साइट जो है क्लीन कहाँ तक करनी है? ठीक है, एक्स्ट्रा क्लीनिंग जो वैसे जो नॉर्म्स है अपना वो ये होता है कि 1 मीटर से लेकर 3 मीटर तक आप अपने को आसपास वाला एरिया को क्लीन, मिनिमम 1 मीटर तो लेना ही है आपको। ठीक है, अब 1 मीटर कितना हो जाएगा? 1 मीटर लगभग 3 फीट ठीक है ना, तीन सवा 3 फीट हो जाएगा। तो 3 सवा 3 फीट में क्या होएगा? कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो अगर बड़ी साइट है तो आप कम से कम इसको 3 मीटर तक लो। ठीक है, और कई बार आपके साथ ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है कि इस साइड में भी प्लॉट है, इस साइड में भी प्लॉट है, आपके पीछे की तरफ भी प्लॉट है, ओनली आगे वाला एरिया है, तो आप क्या करोगे? ठीक है, तो चारों साइड 1-1 मीटर लेने के बजाय आप आगे की साइड जो है 4 मीटर या 5 मीटर का स्पेस ले लो। ठीक है, वो आपको साइट जो है पहले विजिट करनी पड़ेगी, उसके अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा कि साइट क्लियरेंस अपने को किस तरह से करना होगा, वहां पे कौन कौन से जो है जोन्स अपने पास अवेलेबल है, आसपास के जो जोन्स होते हैं ये कौन से जोन्स अपने पास अवेलेबल है। ठीक है, साइट अपना जो बिल्टअप एरिया जो है वो है 60x40 का। अब ये देखना है कि आसपास की कंडीशन कैसी है, हो सकता है इधर दो एक साइड प्लॉट हो, दो साइड प्लॉट हो, तीन साइड प्लॉट हो, या फिर चारों साइड अगर खाली है तो अब चारों साइड 3-3 मीटर का स्पेस जैसे मैंने इसमें ले लिया है। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा आपको आइडिया लग गया कि आप किस हिसाब से जो है थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पेस जो है कैसे उसमें ऐड ऑन करोगे। ठीक है, और कितना कंस्ट्रक्शन होने वाला है, अगर आपको लग रहा है कि छोटा कंस्ट्रक्शन है तो उसमें ज़्यादा जगह की रिक्वायरमेंट नहीं है, कितना बड़ा कंस्ट्रक्शन है उसमें बहुत ज़्यादा स्पेस की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, बाकी नॉर्म्स आपके ये बोलते हैं कि मिनिमम 1 मीटर तो आपको छोड़ना ही है अगर चारों तरफ आपका है स्पेस, तो
और अगर आसपास के प्लॉट्स अगर आप ब्लॉक हैं इधर से, तो फिर आप एक साइड में ही 4 मीटर 5 मीटर तक स्पेस छोड़ सकते हो। ठीक है, अब साइट क्लियरेंस का जो है कैलकुलेशन मैं कैसे करूँगा? ठीक है, अब मेरा जो है साइट क्लियर मेरे को कितना करना है? इधर से ये 60 के साथ क्या हो गया, 3 मीटर इधर से भी ऐड हो गया, 3 मीटर इधर से भी ऐड हो गया। ठीक है, अब एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग के अंदर क्या होता है, जो कैलकुलेशन है अगर अपने CPWD के हिसाब से चल रहे हैं, तो उसमें आपको सारे कैलकुलेशन जो मिलता है वो आपको मिलेगा मेट्रिक यूनिट्स के अंदर, मीटर के अंदर, MM के अंदर, उसके अंदर। ठीक है, तो 60 फीट को मैं पहले कन्वर्ट कर लेता हूँ मीटर के अंदर। ठीक है, तो 60 फीट को मैंने मल्टीप्लाई किया 0.3048 से, इसमें मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं है। ठीक है, और उसके बाद मैंने 40 फीट को मल्टीप्लाई किया उसी से, उसको भी मैंने मीटर में कन्वर्ट कर लिया, MM के अंदर ये इतना हो जाता है। ठीक है, अब ये मेरा 18.288 मीटर है। ठीक है, 18,288 MM, तो इसको मैं 18,288 MM, 200 MM बहुत ज़्यादा छोटी यूनिट है बड़े प्लॉट्स को देखते हुए। ठीक है, तो मैं इसको 18,300 MM भी बोल सकता हूँ। ठीक है, तो इसको मैं 18.3 भी ले सकता हूँ। ठीक है, सिमिलरली इसके अंदर क्या आ रहा है, 12,192। ठीक है, तो 192, इसको मैं लगभग लगभग 200 ले सकता हूँ। MM का यूनिट कितना छोटा हो जाएगा सोचो, बड़े प्लॉट्स को देखते हुए, तो इसको मैं 12.2 ले सकता हूँ। ठीक है, मीटर के अंदर आपको चेंज करना पड़ेगा जो भी आपका प्लॉट साइज है, नॉर्मली आपको फिट के अंदर अलॉट किया हुआ होगा जो आपको मिला हुआ होगा, और इसको अपने को मीटर के अंदर पहले चेंज कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद एक्स्ट्रा स्पेस अपन ने किस चीज़ के लिए लिया है ये मैं पहले जैसे बता चुका हूँ, कि जैसे सैंड के लिए, सीमेंट के लिए, एग्रीगेट्स के लिए, स्टील के लिए, या जो भी साइट पे जो भी एक्स्ट्रा वर्क हो रहा है। ऐसा तो है नहीं कि जहाँ पे अपने कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वहीं पे सैंड मिला रहे हैं, सीमेंट मिला रहे हैं, वो सब कर रहे हैं। ठीक है, उसके लिए अपने को थोड़ा सा एक्स्ट्रा एरिया चाहिए। ठीक है, अब मेरा ये वाला जो है साइट क्लीनिंग के लिए जो है मेजरमेंट शीट बनेगी। ठीक है, अभी जो मेजरमेंट शीट है ये यहाँ पे जो है आपको जो बना के दी गई है, ये मैंने एक बार नोट्स के अंदर बनाई है। अब इसको कैसे एक्सेल के अंदर अपने बनाएंगे ये भी मैं अभी बता रहा हूँ आपको। ठीक है, सबसे पहले आपका जैसे सीरियल नंबर मैंने डाला, डिस्क्रिप्शन डाला, नंबर्स डाले। अब हो सकता है आसपास आपकी 2-3 साइट चल रही हो। ठीक है, ये वाली टेबल अच्छे से है ना विजुअलाइज हो रही है सबको? ठीक है, अब सबसे पहले अपना जो है ये काम किसके अंदर चल रहा है, फाउंडेशन के अंदर कर रहा हूँ मैं ये सारा काम, फाउंडेशन के लिए चल रहा है साइट क्लीनिंग का जो काम फर्स्ट स्टेप है अपना। नंबर ऑफ साइट फिलहाल अपनी एक ही हो सकता है, आपके आसपास 2 साइट हो, 3 साइट हो, तो यहाँ पे 2-3 जो भी साइट है वो लिखते हैं। लेंथ जो है वो कितना हो गया, 24 पॉइंट, यहाँ तो मैंने कंप्लीट कैलकुलेशन लिख दिया, 288। ठीक है, इसमें 3 मीटर इस साइड से ऐड हो जाएगा, 3 मीटर इस साइड से ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा टोटल 24 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। और इधर इस साइड में 40 फिट है, इसको अपन ने कन्वर्ट किया मीटर के अंदर, तो 12 पॉइंट समथिंग कुछ है, तो अब 3 मीटर इधर से ऐड हो गया, 3 मीटर एक साइड से ऐड हो गया, तो ये 18.192 हो गया। अब लेंथ और विड्थ का मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, तो यहाँ पे 441.85 आ गया, और यहाँ पे यूनिट्स जो है मेरा क्या आ गया, मीटर स्क्वायर के अंदर। ठीक है, तो साइट क्लियरेंस के अंदर अब आपको उसमें कितना खर्चा होने वाला है, ठीक है, पर मीटर स्क्वायर, उसको बस इससे मल्टीप्लाई करना है 411.85 से। ठीक है, वो रेट अगर आपको मैं बता दूँ तो आप उसको मल्टीप्लाई करते साइट क्लीनिंग में कितना आपका कॉस्टिंग लगने वाला है वो आप निकाल लोगे। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है तो पहले पूछ लो, और अगर समझ में आ गया तो हाँ बोल दो। यस सर, आ गया अच्छे से समझ में? ठीक है, अब अपन जो है ये जो डाटा है इसको एक्सेल के अंदर कैसे इनपुट करते हैं। ठीक है, एक्सेल में काम करने के लिए थोड़ा सा, अब एक्सेल का थोड़ा जिसको आता है बेटर है, वरना थोड़ा सा बेसिक मैं बता देता हूँ, उस बेसिक को मैंने नोट्स के अंदर भी लिख दिया है। क्रिएट मेजरमेंट शीट इन एक्सेल, एक्सेल के अंदर अपने को मेजरमेंट शीट को क्रिएट करना है। सेव ये वाली शीट जो है ये अपने एक्सेल के अंदर क्रिएट करेंगे, बट स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। देखो इसमें एक एक स्टेप मैंने बहुत अच्छे से लिख रखा है। ठीक है, अब सबसे पहले आपके कंप्यूटर में आपको एक्सेल को ओपन कैसे करना है, ठीक है, आप राइट क्लिक करो,
सबसे पहले तो ऑफिस कोई भी आपके लैपटॉप इंस्टॉल होना चाहिए, तो ऑफिस कोई भी हो, 2007 हो, 2010 हो, ठीक है, लेटेस्ट कोई भी वर्जन हो, न्यू के अंदर जाके यहाँ पे आपको एमएस ऑफिस एक्सेल की वर्कशीट मिल जाएगी। इसको मैंने क्लिक किया और यहाँ पे मैं एक्सेल को ओपन कर लेता हूँ। ये मेरी फाइल बन गई है और यहाँ पे आप इसको नेम दे दो। मेजरमेंट शीट, ठीक है, इसको मैंने ओपन किया। ठीक है, सबसे पहले आपके सामने इस तरह की एक शीट ओपन हो जाएगी जिसमें कुछ कॉलम्स होंगे, कुछ रोज होगी। ठीक है, अब आपको जिस टाइम आप प्रैक्टिस करो, इस नोट्स को भी आप आराम से देख सकते हो। नोट्स में जो है पढ़ पढ़ के आप इसको तरह से लिखते रहो। फर्स्टली क्या करना है, राइट डाउन हेडिंग्स ऑफ द कॉलम्स। हेडिंग्स जो मेरी है सबसे पहले मैं वो डालता हूँ। जैसे तो हेडिंग्स मेरी क्या है, यहाँ पे मेरे को डालना है सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन नंबर, ठीक है, तो ये सब मैंने यहाँ पे डालना स्टार्ट किया। कैप्स लॉक ऑन कर लो अगर कैपिटल के अंदर है तो, सीरियल नंबर, ठीक है। देन मैंने इसके अंदर डाला डिस्क्रिप्शन, ब्रैकेट में इसको आइटम भी लिख देता हूँ, नेक्स्ट जो है मेरा नंबर, ठीक है, देन नेक्स्ट मेरा है कितनी मेरी लेंथ है, विड्थ कितनी है, डेप्थ कितनी है, देन टोटल, टोटल के अंदर मैं क्या करूंगा, टोटल के अंदर में उसकी जो ये हो जाएगा आपका, तो यहाँ से आप नोट से इस चीज को लिखते रहो। टोटल के अंदर जो जितने भी आपके नंबर्स हैं उसको मल्टीप्लाई करना है लेंथ और विड्थ से, तो जितने भी नंबर हैं उसको मल्टीप्लाई करना है लेंथ से। साइट मेरी एक ही है और मैंने इसको यूनिट से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। लास्ट तो है वो बनाया यूनिट्स में, ठीक है, ये मैंने जो है टेबल बना लिया। अब इसमें आप लोगों को एक प्रॉब्लम हो रही होगी कि कुछ चीज कुछ कुछ कैसे इसमें क्या कट रहा है, ठीक है। एक्सेल का मैं जो आज है वो छोटा से छोटा बेसिक मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद तो अपने रोज जैसे जैसे एस्टिमेशन आगे बढ़ते जाएंगे फिर डाटा को इनपुट करेंगे। आप थोड़ा एक्सेल का मैं बेसिक बता देता हूँ जिससे आपको एक्सेल चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो फर्स्टली मैंने क्या किया है, राइट डाउन हेडिंग्स ऑफ द कॉलम्स, नाउ सेलेक्ट ऑल रोज एंड कॉलम्स बाय क्लिकिंग ऑन इट, ठीक है, एंड देन ऑटो एडजस्ट टेबल बाय डबल क्लिकिंग। अब मेरे को टेबल को ऑटो एडजस्ट करना है कि मेरा जो भी लिखा हुआ है वो मेरे को अच्छे से विजिबल हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे एक जो तो सिंबल आता है इस पर आप क्लिक करके सारी रोज और कॉलम को एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं, तो मेरी सारी रोज और कॉलम एक साथ सेलेक्ट होगी, ठीक है। अब एक यहाँ पे आपका कर्सर बना हुआ है, देखो मैंने जब इस कॉलम के ऊपर बनाया और इसके पास में देखो यहाँ पे ये इस तरह का सिंबल बना हुआ रहा है। इस पे जैसे ही आप डबल क्लिक करते हो, जैसा भी अपन ने बनाया है ये सारा इस तरह से सेट हो गया है, ठीक है। देन फिर यहाँ से आप आगे देखो क्या है, ये मेरा सेट हो गया। देन फॉन्ट जो है वो टाइम्स न्यू रोमन के अंदर लेने और साइज जो है वो 12 रखना है, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको सारे को सेलेक्ट रखा। अब ये मेरा सारा रोज और कॉलम सबको सेलेक्ट है, यहां से मैं देता हूं साइज,
तो मैंने इसको सर्च किया, एक सेकंड आप पहले दोबारा इसको सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे मैं क्लिक करके सारे रोज और कॉलम को सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे टाइम न्यू रोमन के अंदर हो गया ये मेरा सारा। देन तो मेरा साइज है वो मेरे को लेना है 12, ठीक है। उसके बाद आपको इसको नोट्स में आप देखोगे यहाँ पे लिखा है इसको सेंटर के अंदर सेट करना है, ठीक है। और देन लास्ट में यहाँ पे जो है सबको एक सबके साथ में जो इसमें ऑल बॉर्डर को सेट करना है, यहाँ पे मेरा सब में बॉर्डर आ जाए इस तरह, ठीक है। ये मैंने सारी सेटिंग्स कर दी है जो यहाँ नोट्स के अंदर भी मैंने लिख दी है, ठीक है। टाइम्स न्यू रोमन के अंदर लिया, साइज दोबारा लिया है, सेंटर पे सेट कर दिया और ऑल बॉर्डर को सेट कर दिया मैंने, ठीक है। अब देखो एक्चुअली हेडिंग जो है वो अपनी सबसे मेन है, तो उसका जो फॉन्ट है वो 12 नहीं रख के 14 रखो, उसको थोड़ा सा बढ़ा दो और उसको किसी कलर के अंदर भी दे दो, ठीक है। तो वापस से मैं एक्सेल शीट के अंदर जाता हूँ और ओनली इस वाली रो को इस तरह से मैं सेलेक्ट करता हूँ, प्रेस किए हुए रखना है इसको और पूरा सेलेक्ट किया और यहाँ से मैंने इसका साइज दिया 14, ठीक है। अब दोबारा मैंने यहाँ पे क्लिक किया और इसको दोबारा मैं ऑटो एडजस्ट करूँगा, इस पर क्लिक किया और दोबारा इस पर इस वाले सैम्पल पे क्लिक करके डबल क्लिक किया मैंने कि ऑटो एडजस्ट हो गया। सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन नंबर, लेंथ, वेट, डेप्थ, टोटल नंबर, यूनिट, सब आपको अब अच्छे से विजुअलाइज हो रहा है, अच्छे से दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब ये सबसे मेरी मेन हेडिंग है जिसको मैं इस तरह से सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं कोई कलर डाल देता हूँ, ठीक है। नॉर्मली आप जो देखते हो मेरे नोटबुक में आपको येलो कलर की शीट मिलती है, इसको आप और इसमें डाल सकते हो, जो भी आपको है वो डाल सकते हो, वो अलग से हाईलाइट हो जाएगी आपको, ये आपकी हेडिंग है, ठीक है। अब मेरा जो है नेक्स्ट जो है आप इसके अंदर देखो नोट्स के अंदर अपने टेबल में नेक्स्ट क्या डाल रखा है। सबसे पहला मेरा फाउंडेशन से रिलेटेड जो भी कैलकुलेशन है मेरे को वो करनी है, ठीक है। फाउंडेशन से रिलेटेड फर्स्ट जो है सीरियल नंबर पे अपन ने लिखा है साइड के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक लाइन इसके लिए छोड़ देनी है और फिर नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे लिखना है कि अब यहाँ से मेरा फाउंडेशन का काम स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और इस वक्त को भी आप जो है फाउंडेशन का जो वक्त है इसको भी आप अलग कलर में चेंज कर लो, ठीक है। किसी में भी चेंज कर सकते हो, एक बार येलो ही रख देते हैं, ठीक है। देन यहाँ पे मैं लिखता हूँ सीरियल नंबर 1, ठीक है। यहाँ पे मेरा 5 क्लीनिंग, नंबर ऑफ साइड्स मेरे कितनी है 1, यहाँ पे मैंने डाला 1, ठीक है। प्लॉट साइज आपका क्या है, ये देखो प्लॉट साइज जो मेरा है, लेंथ मैंने निकाली है 18.288, तो ये कितनी हो जाएगी 18.3। तो यहाँ पे इसको आपको कैसे इनपुट करना है ये थोड़ा अच्छे से देखना है, इसमें आपको फॉर्मूला बनाना होगा यहाँ पे, जिससे मैं कोई भी चेंजेस करता हूँ तो उस फॉर्मूले में भी ऑटोमेटिकली चेंजेस हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने डाला सबसे पहले इक्वल्स टू का साइन, देन 18.3, एक सेकेंड अपने कन्वर्ट किया था, 18.3 ही है, हाँ 18.3 हो जाएगा। मैंने बताया ना एमएम के अंदर उस कंट्रीब्यूशन का बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा, तो 18.3 ले लेता हूँ उसको मैं, 18.3 प्लस शिफ्ट के साथ आपको प्रेस करना पड़ेगा प्लस 3 एंड प्लस 3, ठीक है। जैसे ही आप नेक्स्ट वाले पे क्लिक करोगे या एंटर करोगे ये ऑटोमेटिकली इसको ऐड कर देगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वेट की बात करते हैं, वेट अपना कितना है 12.2 हो जाएगा, ठीक है। 12.2 पहले इक्वल्स टू का साइन, देन 12.2 प्लस शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे प्लस 3 प्लस 3, ठीक है। देन जैसे ही आप इसको ब्रेक करोगे नेक्स्ट वाले भी एंटर करो, एक सेकेंड नहीं नहीं वो इक्वल्स टू हो गया, वहाँ पर फिर प्लस करना है यहाँ पे,
प्लस, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली फॉर्मूला जनरेट हो गया। एक सेकंड, स्टैंड को मैं पूरा डिलीट कर लेता हूँ। के साथ प्लस 3 और प्लस 3, दोनों साइड से मैंने 3 मीटर 3 मीटर ऐड कर लिया, ठीक है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 18.2, ठीक है। अब जैसे कुछ भी होता है, आपका मान लो ये वाली मेजरमेंट शीट आप किसी नेक्स्ट मेजरमेंट के लिए काम में लेते हो, तो जैसे आप इस पर डबल क्लिक करोगे, आपने 18.3 के अंदर कुछ भी चेंज कर दिया, आपने यहाँ पे 24 डाल दिया, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली वो फॉर्मूला जनरेट हुआ है, प्लस 3 प्लस 3 करके 30 हो गया, ठीक है। फिलहाल इसमें अपने को नहीं करना है, तो कंट्रोल जेड कर देता हूँ वापस से, यहाँ अपने को 24.3 ही रखना है, ठीक है। या फिर मान लो अब नेक्स्ट, जैसे मैं यहाँ पे टोटल के अंदर फॉर्मूला जनरेट करने जा रहा हूँ, ठीक है, तो इसके अंदर मैं क्या करूँगा, डबल क्लिक मैंने किया, इक्वल्स टू, ठीक है, यहाँ पे माउस से लेफ्ट क्लिक को प्रेस करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई का साइन आपके कीबोर्ड के अंदर होता है उस तरह का, मल्टीप्लाई का साइन लगाया मैंने, देन फिर माउस से लेफ्ट क्लिक करूँगा इस पर, मल्टीप्लाई ये मैंने सिंबल लगाया मल्टीप्लाई का, देन मल्टीप्लाई ये, ठीक है, जैसे मैं एंटर करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई हो गया है सारा, ठीक है। अब आपने मान लो यहाँ पे सोचा कि यहाँ पे जो है कुछ चेंजेस मेरे को करना है, ये विड्थ जो है ये 12.2 है, तो मेरे को टोटल 20 करना है, यहाँ से अगर आपने 20 किया तो इसमें तो चेंजेस होएगा, यहाँ पे 26 होएगा और यहाँ पे भी सारा जो है कन्वेंशन एक साथ चेंजेस हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल मेरे को ये करना नहीं है, आपको एग्जाम्पल के लिए मैंने समझाया है, इसलिए इसको वापस में कंट्रोल जेड कर देता हूँ, ठीक है। ये लेंथ मेरी आ गई 24.3, ये मेरा आ गया 18.2, इनको मल्टीप्लाई करके मेरा ये आ गया, ठीक है। ये कैलकुलेशन मेरी किसके अंदर चल रही है, मीटर के अंदर, ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, स्क्वायर मीटर, स्क्वायर मीटर, SQM करके आप लिख सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद आपका जो सेकंड प्रोसेस है, ठीक है, वो कौन सा होगा, एक्सकेवेशन का। यस सर, आज वाली क्लास में एक्सकेवेशन नहीं होगा, बट एग्जांपल के लिए मैं एक टेबल बना के दिखा रहा हूँ आपको, तो यहाँ इस तरह से मैं ऐड करता जाऊँगा, अब एक्सकेवेशन के लिए जो क्या क्या डाटा है, कितनी फुटिंग्स हैं, क्या है, ये कल वाली क्लास के अंदर अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले आज वाली क्लास से रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो पहले वो पूछ लो, एक्सेल शीट बनाने में अगर कोई प्रॉब्लम आया रही है, या साइड क्लीनिंग वाली कैलकुलेशन है, बिल्कुल सिंपल थी, एक्सेल शीट के आपने अगर पहले चला रखा है किसी ने, एक्सेल शीट पे काम कर रखा है पहले, तो फिर आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, बट ये वाले नोट्स जो हैं उनको एक बार आप फॉलो कर लेना, ठीक है। जैसे मैंने सब चीज़ें लिख दी है कि फर्स्टली आपको क्या, पहले सारी कॉलम्स में हेडिंग्स बनानी है, और फिर जो एक स्टैंडर्ड साइज जो है वो क्या चलता है वो मैंने सारा बता दिया कि टाइम्स न्यू रोमन के अंदर इसको सेट करेंगे, साइज जो है 12 रखना, सेंटर के अंदर। अभी देखो अपने कुछ भी कैलकुलेशन जो कर रहे हैं ऑटोमेटिकली ये सेंटर में आ रहा है, वरना हर रो को आपको पकड़ के उसको सेंटर में करना पड़ेगा और उसको चेंजिंग करना पड़ेगा, ठीक है। अभी आपका जो है ऑटोमेटिकली जो सारी चीज़ें जो है वो सेंटर में आ रही है, ठीक है, हर चीज़ प्रॉपरली सेट है, यहाँ से अपने टेबल को सारा ऑटो एडजस्ट कर लिया है, ठीक है। और सबसे पहले आपका फाउंडेशन का जो काम है वो स्टार्ट हो गया है, तो अपने फाउंडेशन का जैसे काम मान लो यहाँ पे जितना भी कैलकुलेशन चलेगा वो यहाँ पे पूरा करेंगे, देन नेक्स्ट जो हेडिंग होगी उसको फिर थोड़ा सा अपने कुछ कलर के अंदर डाल देंगे, जैसे सब स्ट्रक्चर का आ जाएगा पार्ट, फिर सुपर स्ट्रक्चर का आ जाएगा, ठीक है। आज थोड़ा सा कंटेंट जो है मैंने कम ही रखा है, बिकॉज एक्सेल शीट पे काम अगर आप लोगों ने किया नहीं है तो एक बार उस पर थोड़ा सा प्रैक्टिस करके देख लो कि फार्मूला को कैसे जनरेट करना है, ये मैंने नोट्स के अंदर भी यहाँ पे लिख दिया है। देखो कि लेंथ के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, इक्वल्स टू करके
18.3 प्लस 3 प्लस 3 इस तरह से ऐड करोगे तो वो ऑटोमेटिकली 24.3 में कन्वर्ट हो जाएगा। विड्थ में भी आप क्या करोगे, 12.2 प्लस 3 प्लस 3 दोनों साइड से ये ऐड हो जाएगा। और टोटल के अंदर आपको फॉर्मूला बनाना पड़ेगा इक्वल्स टू नंबर मल्टीप्लाई लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, ठीक है। तो अपनी कल वाली जो नेक्स्ट क्लास होगी उससे पहले आप एक्सेल की प्रैक्टिस जरूर कर लेना, क्योंकि एक चीज़ आप मैं बता रहा हूँ और एक आप खुद अपने हाथ से करोगे तो उसमें थोड़ा सा आपको डिफरेंस लगेगा। हालांकि बहुत छोटा सा सेगमेंट ही मैंने आज बताया, बहुत ज़्यादा नहीं बताया, बहुत थोड़ा सा बताया, ठीक है। तो उनका फॉर्मूला कैसे बन जाएगा और उसमें आप वैल्यू चेंज कर करके देखोगे कि अब जो जो वैल्यू आप जैसे आप लेंथ और वेट से कुछ भी आप चेंज करते हो तो ऑटोमेटिकली उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। सर इस पूरी सीट के अंदर अब दो दो फॉर्मूले अपने जनरेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसमें कोई भी छोटा मोटा आप चेंज करते हो तो ऑटोमेटिकली उनमें वो चेंजेस क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये मतलब सॉफ्टवेयर पैनल टाइप का बन जाएगा जो ऑटोमेटिकली जो है इस तरह से वर्क करेगा। मतलब कोई अगर नेक्स्ट आप एस्टिमेशन में निकाले हो तो इसी में चेंजिंग करके आप निकाल सकते हो, ठीक है। बाकी मेजरमेंट शीट का जो आउटपुट है वो कैसा आएगा वो कुछ इस तरह का आएगा। आज वाली क्लास से रिलेटेड या कल वाली क्लास से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो वो पूछ लो आप। क्लास जो है मेरी तरफ से ओवर हो चुकी है। सर जैसे मेरे को एक चीज में डाउट है कि जैसे एक दो वर्ड है एस्टिमेशन एंड पोस्टिंग, है ना। तो पोस्टिंग में तो हम टोटल अमाउंट का एक तरीके से एस्टिमेशन निकालते हैं, है ना। वही होगी चीज कि टोटल कॉस्ट होती है वो रुपीज में होगी, है ना, पैसे के टर्म में। एस्टिमेशन जो हो गया वो से अंदाजा लगाना हो गया, है ना, एस्टिमेशन लगाना। अब जो हम ये एक्चुअली कोई भी चीज जो है अभी हुई नहीं है और उसका आप अगर प्लान कर रहे हो, ठीक है, कोई चीज अभी हुई नहीं है होने वाली है तो उसको आप एक तरह से क्योंकि आप उसका अंदाजा लगा रहे हो, ठीक है, अंदाजा लगा रहे हो। बट अपने जो अंदाजा लगा रहे हैं वो कोई आइडिया के बेसिस पे नहीं लगा रहे, अपने जो अंदाजा लगा रहे हैं वो फैक्ट के बेसिस पे लगा रहे हैं। तो उन फैक्ट के बेसिस पे जो आप आइडिया लगा रहे हो उसको एस्टिमेशन बोलेंगे, ठीक है। एस्टिमेशन एंड और क्योंकि एस्टिमेशन जो वर्ड है और उसको कोस्टिंग के साथ में क्यों रखा है, ये जैसे आप क्वेश्चन है तो आप देखोगे कि कहीं पे भी आपका चाहे इंजीनियरिंग के अंदर बात करो चाहे आपके डिप्लोमा के अंदर बात करो या आर्किटेक्चर में भी जहाँ पे एस्टिमेशन जो सब्जेक्ट है वहाँ पे एस्टिमेशन के साथ कोस्टिंग का टर्म हर जगह जुड़ा हुआ है। एस्टिमेशन जो निकालनी है, एस्टिमेशन क्या चीज, किस चीज़ का एस्टिमेशन निकालना है, कल बारिश होने वाली है उसका एस्टिमेशन थोड़ी निकालना है, साइट पे बारिश कब होने वाली है, साइट पे कोस्टिंग कितनी लगने वाली है उसका एस्टिमेशन निकालना है, ठीक है। तो एस्टिमेशन कोस्टिंग आपको हर जगह टर्मिनोलॉजी एक साथ देखने को मिलेगी। ओके सर। और सर जैसे जो अभी हमने किया ये टोटल एरिया निकाला है, टोटल एरिया अभी हम, हाँ, हम हर चीज का ऐसे टोटल एरिया निकालेंगे तो टोटल वो उस क्या चीज, टोटल एरिया भी हो सकता है, टोटल वॉल्यूम भी हो सकता है, है ना। और मैंने बताया था कि कुछ चीजों को अपने केजी में कैलकुलेट करते हैं, जैसे है ना रेनफोर्समेंट कितना आया, जैसे स्टील का कैलकुलेशन है, कॉपर का हो गया, ब्रास का हो गया, ये सब जो कैलकुलेशन है वो सारा केजी के अंदर होगा। और कई कई आइटम्स को काउंट करके भी अपने को यूज करना होता है, नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं, नंबर ऑफ टाइल्स कितनी है ये, ठीक है। और उसके अलावा आपका जैसे कुछ रनिंग मीटर में भी कैलकुलेशन चलती है तो उनमें से कुछ भी जो है वो क्वांटिटी आपको टोटल में इसमें निकालनी होगी और बाद में जो उस रेट से अपने को मल्टीप्लाई करना होगा जो उसका मार्केट रेट है, या अगर मार्केट रेट तो तब लोगे जब आपका कोई लोकल क्लाइंट का प्रोजेक्ट है, बट अगर गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है तो CPWD ने जो आपको रेट्स दिए वो वाली रेट्स से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या करंट जो रेट्स हैं जिनको अपने क्या बोलेंगे BSR बेसिक शेड्यूल ऑफ रेट्स, SSR भी बताया था मैंने, दो तीन नेम्स बताए थे उसके, ठीक है। तो करंट शेड्यूल है रेट का, उससे फिर अपने को मल्टीप्लाई करना है। फिर वो मल्टीप्लाई करने के बाद जो अमाउंट आई वो जो टोटल हम करेंगे वो कॉस्टिंग होगी, हाँ, वो फाइनल जो प्रोजेक्ट की जो कॉस्टिंग है बिल ऑफ क्वांटिटी है BOQ बनेगा। ओके। अभी तो जैसे साइट क्लीनिंग, हाँ बताइए, साइट क्लीनिंग का जो एरिया आया है ना उसको हम जिस अमाउंट से मल्टीप्लाई करेंगे वो साइट क्लीनिंग के लिए एक एस्टिमेटेड अमाउंट है, ऐसे ही ब्रिक्स के लिए एक एस्टिमेटेड अमाउंट होगी जिससे हम इंडिविजुअली हर एरिया को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जो अमाउंट आया उन सबको सम करेंगे तो कॉस्टिंग आएगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, भाई साइट क्लीनिंग में आपका कितना खर्चा होने वाला है, एक्सकेवेशन में आपका कितना खर्चा होने वाला है, देन जैसे जैसे आगे प्रोसेस बढ़ेगा PCC में, सैंड फिलिंग में, ठीक है, सारा पहले फाउंडेशन से रिलेटेड सारा निकलेगा, फिर सब स्ट्रक्चर में क्या खर्चा होने वाला है, सुपर स्ट्रक्चर में, लास्ट तक पूरा
फिनिशिंग में, फ्लोरिंग में, जो भी आपका और भी मटेरियल जो भी यूज़ हुआ है, सब में क्या जो खर्चा होने वाला है, उन सब का सम करेंगे। सबको पहले मल्टीप्लाई करना होगा कि धीरे धीरे खुद क्वेश्चन है, जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ती जाएगी आपको खुद ऑटोमेटिकली क्लियर होते जाएंगे क्वेश्चन। अभी कभी बिल्कुल स्टार्ट किया तो कुछ क्वेश्चन माइंड में आना, मैं मान रहा हूँ कि ठीक है, बट कल वाली जो क्लास थी ना, वो मेरे हिसाब से आज वाली क्लास से ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, ये समझने के लिए जो आपके क्वेश्चन हैं, क्योंकि अपने को पूरा जो है मैंने अच्छा समराइज कर दिया था कल वाली क्लास में कि क्या 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 चीज़ें लेने वाले हैं, और इन सब का जो कॉस्ट अपन निकालेंगे तो पूरा अपना बिल्डिंग का जो है वो एस्टिमेशन निकल जाएगा, एस्टिमेटेड कॉस्ट निकल जाएगी। ठीक है, एस्टिमेशन किस चीज़ का, एस्टिमेशन एस्टिमेटेड कॉस्ट निकल जाएगी। ठीक है, तो क्लास को करें ओवर आज वाली, या और किसी को कुछ पूछना है? बिल्डिंग एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग से रिलेटेड अभी भी दिमाग में कोई क्वेश्चन है कि ये क्यों करना है, तो वो कोई इंट्रोडक्शन से रिलेटेड या कुछ भी, या एक्सेल शीट में कुछ समझ में नहीं आया हो, साइट क्लीनिंग के बारे में जो है ज़्यादा कुछ नहीं है, साइट क्लीनिंग में बस इतना ही है कि आपको थोड़ा सा एरिया जो है वो एड ऑन करना है बस। ठीक है, और आसपास के लिए जिससे आप उस एरिया को काम में ले सको कंस्ट्रक्शन के प्रोसेस के लिए। ठीक है, उसमें बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं है साइट क्लीनिंग में, आज जो मेन काम है आपका एक्सेल वाली जो चीज़ को वो सिखाने का है, उसको आप अच्छे से प्रैक्टिस जरूर कर लें। ठीक है, अब नेक्स्ट जी नेक्स्ट जो कल फाउंडेशन के लिए जो है, पहले मैं एक ड्राइंग बताऊंगा, उस ड्राइंग से कैसे अपने जो फुटिंग्स और उन सबको जो है कैलकुलेशन कैसे कैसे करेंगे उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। आज की क्लास कर दें ओवर? चलो यस ठीक है।